देखो गाइस, ये है आजाद खान का घर जो कि मुंबई में स्थित है। मुंबई के कौन से एरिया में है और इस बिल्डिंग के कौन से फ्लोर पर रहते हैं, उनके फ्लैट की प्राइस क्या है, आज के ब्लॉग में जो है पूरी मैं जानकारी बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरी लास्ट तक बने। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विकास डेली ब्लॉग। सो गाइस, आज के ब्लॉग में मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ आजाद खान का घर। बॉलीवुड स्टार, सोशल मीडिया स्टार किंग कहे जाते हैं ये जो है बहुत ही ज़्यादा अभी कॉन्ट्रोवर्सी में है। एल्विस यादव को लेकर के काफ़ी जो है अभी सुर्खियों में छाए हुए हैं। सो गाइस, आज के ब्लॉग में मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ बॉलीवुड एक्टर आजाद खान का घर, जो कि मेरे सामने ही उनका घर है। एंड उनको जो है लकीर और अल्लाह के बंदे, लकीर का फकीर, बहुत सारे ऐसे मूवी में आप लोग उनको देखे रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि वो मूवी में ही काम करते थे, टेलीविज़न और ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया जो है प्लेटफॉर्म पे वो काम कर चुके हैं। आज के टाइम पे वो जो है बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में छाए हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, पहले से ज़्यादा अभी पॉपुलर हो रहे हैं, क्योंकि उनके वो जो है कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। भाई यहाँ मिल, वहाँ मिल, मैं तुझे बताता हूँ, ये बताता हूँ, वो बताता हूँ, ऐसे बहुत सारी जो है सोशल मीडिया पर आप ऐसे न्यूज़ देखते रहेंगे, ऐसे बहुत सारे ब्लॉग देखते रहेंगे। सो गाइस, आज के ब्लॉग में जो है आजाद खान जी का मैं आप लोग को घर दिखाने वाला हूँ। देख सकते हो गाइस, ये वाली बिल्डिंग है ना, इसी बिल्डिंग में आजाद खान रहते हैं। इंडियन बैंक जो है ये सामने ही है और इसके पीछे वाली बिल्डिंग है। भाई मैं आप लोग को पूरा जो है ब्लॉग अच्छे तरह से बता करके और कौन से फ्लोर पे रहते हैं वो भी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। देख सकते हो भाई, ये है आजाद खान का घर। चलिए आप लोग को लेके चलता हूँ मेन गेट से, मेन गेट से आप लोग को दिखाता हूँ कि ये बिल्डिंग पूरी तरह से कैसे दिखती है। गाइस, अभी हम पहुँचे हैं बिल्डिंग के पीछे साइड में, जहाँ से आजाद खान का फ्लैट दिखता है, ये वाली बिल्डिंग देख सकते हो भाई। इधर से अभी हम जाएंगे उनके मेन गेट पे। फिलहाल मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, इसी तरफ जो है आजाद खान रहते हैं, इसी बिल्डिंग के जो है 11वीं मंजिल पे। भाई काफ़ी ही जो है पॉपुलर बिल्डिंग है और ये जो बिल्डिंग है ना काफ़ी देखने में खूबसूरत लग रही है। भाई अभी मैं आगे से दिखाऊँगा, आप देखोगे आगे से तो बोलोगे कि काफ़ी खूबसूरत ये बिल्डिंग दिख रही है। और ऐसा बिल्डिंग जो है वाकई में मैंने कभी देखा नहीं है, क्योंकि इसका गेट अलग टाइप का है और इसकी बिल्डिंग की कलर अलग है और गेट की भी कलर अलग है। चलिए अभी हम चलेंगे आगे, आगे से आप लोग को दिखाएंगे ये बिल्डिंग पूरी तरह से कैसे दिखती है। और इसी बिल्डिंग में भाई 11वीं मंजिल पर रहते हैं, मैं पहले भी आप लोग को बता चुका हूँ। और 11वीं मंजिल पर काफ़ी जो है ऐसे बॉलीवुड एक्टर भी रहते हैं, वो मैं आप लोग को आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। फिलहाल इस वीडियो को पूरा लास्ट तक बने रहना एंड वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़, एंड चैनल पे पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। भाई सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है ये वीडियो शूट करने के लिए। अभी हम आगे चलेंगे, आगे से आप लोग को दिखाएंगे। भाई फिलहाल ये देख सकते हो, ये है आजाद खान का घर। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And दोस्तों, अभी हम पहुंचे हैं आजाद खान के बिल्डिंग के मेन गेट पे। देख सकते हो, ये ही पोजाइडन जो है बिल्डिंग का नाम है। देख सकते हो, यहाँ पर बड़ी सी नेम प्लेट लगाई गई है। भाई ये बिल्डिंग अलग ही लुक दिख रहा है, ऐसा मतलब बॉलीवुड एक्टर में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। ये गेट अलग ही है, ऐसा लगेगा कि नहीं वो बिल्डिंग में जाता है। भाई अभी हम अंदर जा कर के भी आप लोग को दिखाएँगे, फिलहाल मैं अभी बाहर से आप लोग को दिखा रहा हूँ। देख सकते हो भाई, ये है कुछ अंदर का नज़ारा जहाँ पर रहते हैं आजाद खान। अभी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी में चल रहे हैं, क्योंकि ये एल्विस यादव से लेकर के, कटारिया से लेकर के काफ़ी ये जो है अभी विवादों में चल रहे हैं। भाई हरियाणा को ऐसे इन्होंने टारगेट किया है, काफ़ी जो है ये जो है विवादों में चल रहे हैं। पोसाइडन वी विंग जो है ये सोसाइटी है, और ये ऐसा नहीं है कि ये एक बिल्डिंग है, अंदर बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग है। भाई देख सकते हो, यहाँ पर मैं एड्रेस भी आप लोग को दिखा दिया, अगर आप आना चाहते हो तो यहाँ पर ईजिली आप आ सकते हो। भाई देख सकते हो, ये वाली बिल्डिंग जो है ये है सतीश कौशिक सर का, माधुरी दीक्षित का सतीश कौशिक। सतीश कौशिक सर यहाँ पर रहते थे, हालांकि आज के टाइम पे वो नहीं है, गुजर चुके हैं।
और ये देख सकते हो पोसाइडन जो है बिल्डिंग का नाम है भाई। और इस बिल्डिंग के 11वें फ्लोर पे अजाज खान रहते हैं अपने पूरे परिवार के साथ। भाई सामने ही इतनी ऊंची ऊंची इमारतें मुंबई में देखने को मिलती है, लेकिन आसपास में आप लोग सोचते नहीं होंगे कि ऐसा गंदगी भी होता होगा। देख सकते हो भाई काफ़ी ऐसे कचड़े यहाँ पर हुआ करते हैं, फुटपाथ पे ऐसे ही रोडों पे हुआ करते हैं। बहुत सारे सोचते होंगे लोग जो है गांव से मेरे जो जितने भी सारे व्यूअर्स होंगे कि सोचते होंगे वो मुंबई में ऐसा जो है बहुत ही अच्छा रोड होता होगा, बहुत ही अच्छे से लोग रहते होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, गाँव से और शहर से बहुत ज़्यादा अंतर है। गांव में क्या है साफ़ सुथरा ही मिलता है रोड, और यहां पर जो है काफ़ी गंदगी मिलती है, ऐसा मैंने बहुत बार देखा है और बहुत से ऐसे मतलब रोडों पे भी देखा है। भाई ये ऊंची ऊंची इमारतें आप सोच नहीं सकते हो कि यहां पर पास में ही बहुत सारे ऐसे गंदे भी होंगे। देख सकते हो भाई एक एक फ्लोर पर हर एक एक फ्लोर पर जो है एसी लगा हुआ है। अजाज खान की ये बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग जो है काफ़ी पॉपुलर है, पोसाइडन करके बिल्डिंग का नाम है। और इस बिल्डिंग के नीचे बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट भी देखने को मिल जाता है। खान के घर के साइड में कुछ ऐसे नज़ारे हैं, ऐसे बहुत सारी यहाँ पर जो है गाड़ी पार्किंग हुई है। और नीचे के साइड में बिल्डिंग के बहुत सारे रेस्टोरेंट देखने को मिल जाता, ग्रीन ब्रिज और बहुत सारे ऐसे जो है रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। सॉरी वहाँ पर ग्रीन जो है ब्रिज है। और अभी हम चलेंगे ये रास्ते से, फिर आप लोग को ये वाले ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। होप सब आपको ये ब्लॉग पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड अजाज खान का ये घर है, ये वाला जो है रियल घर है, यहीं पर वो रहा करते थे। हालांकि अभी जो है वो जुहू में शिफ्ट हो गए हैं, बीबीआर के साइड में कहीं शिफ्ट हो गए हैं अभी। बस ये वाले ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। होप सब आप लोग ये ब्लॉग पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। एंड चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। जय हिंद।